नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रत्नसेन भारती। आज हम बात करेंगे बिहार में गाड़ियों को लेकर। बिहार सरकार ने जो है एक बड़ा नियम जारी कर दिया, जिसमें उन्होंने कहा है कि बिहार में अब नहीं चलेगा दूसरे राज्य की नंबर प्लेट वाली गाड़ियां। बिहार में अब दूसरे राज्यों की गाड़ी नंबर वाले चलाने वाले जो है खास करके सावधान हो जाए। अब दूसरे राज्यों का नंबर लेकर लोग बिहार में गाड़ी नहीं चला सकेंगे। बिहार में गाड़ी चलाने के लिए जरूरी है कि अब राज्य का स्थायी नंबर हो। ऐसा नहीं करने वालों पर 5,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। इस पूरे मामले को लेकर बोलते हुए बिहार परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि झारखंड या फिर देश के अन्य राज्यों से निबंधित वाहनों का बिहार में अवैध रूप से स्थायी तौर पर परिचालन कराने वाले वाहन मालिकों पर कार्रवाई की जाएगी। इसलिए कहा गया है कि सभी DTO, MVI और ESI को विशेष अभियान चलाकर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। बता दें कि दूसरे राज्यों का नंबर लेकर बिहार में गाड़ी चलाने वाले 21 वाहन मालिकों पर कार्रवाई की गई है, जबकि मोटर वाहन अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत 487 वाहन चालकों पर कार्रवाई की गई है। इसमें सीट बेल्ट, हेलमेट, फिटनेस, इंश्योरेंस आदि की भी जांच की गई है। जुर्माना के साथ विभिन्न धाराओं के तहत 54 वाहनों को जब्त भी किया गया है। परिवहन सचिव ने यह भी बताया है कि टैक्स चोरी के उद्देश्य से व अन्य कारणों से वाहन में माल लग्जरी और अन्य वाहनों का रजिस्ट्रेशन झारखंड से कराते हैं और चोरी छिपे अस्थायी तौर पर वह बिहार में परिचालन करते हैं। यह मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन है। इसमें बिहार को राजस्व का नुकसान हो रहा है। भी कहा है कि झारखंड या फिर अन्य राज्य के वास्तविक वाहन मालिकों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। वे अपना पेट्रोल पंप रसीद, ड्राइव लाइसेंस, टोल प्लाजा का रसीद, आधार कार्ड या फिर अन्य कोई प्रमाण पत्र दिखाकर झारखंड या फिर अन्य राज्य से आने का सबूत वो दिखाने पर उन्हें जो है इस तरह की फाइन देने से बच सकते हैं। पटना की सड़कों पर अब निगरानी के लिए भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से कैमरे लगाने की बात जो है वह कही जा रही है। पटना स्मार्ट सिटी के तहत इंटीग्रेट कमांड कंट्रोल सेंटर परियोजना के अंतर्गत शहर में उच्च क्षमता के कैमरे, इंटेलिजेंट आधारित वॉइस कॉल बॉक्स, पब्लिक एड्रेस बॉक्स आदि की व्यवस्था होगी। बता दें कि 2750 CCTV कैमरे से राजधानी में यातायात की निगरानी रखी जाएगी। नगर निगम एवं निकटवर्ती क्षेत्रों की निगरानी, सुरक्षा, यातायात व्यवस्था एवं आपदा प्रबंधन को दृढ़ करने के लिए पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा 15 महीने के भीतर इंटीग्रेट कमांड एंड कंट्रोल सेंटर परियोजना पूर्ण किया जाएगा। इसके लिए नगर आयुक्त सह पटना स्मार्ट सिटी के प्रबंध निदेशक हिमांशु शर्मा एवं चयनित एजेंसी लार्स एंड ट्रूबो लिमिटेड के अधिकारियों से करार हुआ है। तो एक तरह से कहें बिहार सरकार ने जो है एक बड़ा नियम वह लागू कर दिया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि अब दूसरे नंबर यानी कि बिहार से बाहर के जो नंबर की गाड़ियां बिहार में चल रही थी, खास करके झारखंड को बेस्ट करके एक तरह से कहें कि परिवहन विभाग ने कहा है कि जो JH गाड़ियां, JH नंबर की जो गाड़ियां हैं वो बिहार में अब अस्थायी तौर पर नहीं चलेगी। उसके लिए जो है अब आपको बिहार में उस गाड़ी को जो है कन्वर्ट करवाना पड़ेगा, BR के नंबर से जो है उस गाड़ी को अब ट्रांसफर करवाना पड़ेगा, तभी जो है वो गाड़ियां बिहार में चल पाएंगी। तो आप उसे अवैध रूप से मानकर 5,000 रुपए का जुर्माना बिहार सरकार उस पे लगा सकती है। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे इन खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।